अगर हम इस 21 को दोनों नंबर में एड कर दें, then one of the new number, तो एड करने के बाद जो नए नंबर बनेंगे, becomes twice the other new numbers. तो जो नए नंबर बनेंगे उन नंबर्स में एक रिलेशन आएगा कि एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा. व्हाट आर द नंबर्स, में नंबर्स का पता लगाना है. चलिए सबसे पहले हमें दे रखा है एक पॉजिटिव नंबर और एक अनदर नंबर है उसे 5 टाइम है. तो हमारा रिलेशन दे रखा है किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से. तो हमारा स्टार्टिंग यही से होगा. लेट वन नंबर बी एक्स. हमारा वन नंबर हमने एज्यूम कर लिया है एक्स है. तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा उसका 5 टाइम्स. सो द अदर नंबर बी 5x. ये हमारे टू नंबर हो गए. अब हमको कहा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है, 5x plus 21. हम इन नंबर्स में दोनों नंबर्स में अगर 21 ऐड करते हैं तो ये 5x plus 21 और x plus 21, हमने दोनों नंबरों को 21 में ऐड कर दिया. तो वन नंबर है वो अदर नंबर के वन नंबर के ट्वाइस, वन नंबर में ट्वाइस अदर नंबर के इक्वल हो जाएगा. तो x plus 21 का डबल जो 5x plus 21 के इक्वल हो जाएगा. ये हमें कंडीशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशन राइट डाउन कर दिया है जिससे हमें एक इक्वेशन मिलती है. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं वेरिएबल्स एक तरफ और न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ लेके जाएंगे तो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा x इक्वल टू 21/3=7. यानी कि हमने जो वन नंबर एज्यूम किया था x, उसकी वैल्यू आ गई है 7. यानी हमारा वन नंबर हुआ, वन नंबर 7 और अनदर नंबर हो जाएगा 5x = 7 × 5 = 35. यानी कि हमारे वो टू नंबर्स होंगे, वन नंबर होगा 7 और अदर नंबर होगा 35. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर. देखिए टू डिजिट नंबर के डिजिटों का सम इज 9. हमें टू डिजिट नंबर है उनके दोनों डिजिट का सम 9 गिवन है. व्हेन वी इंटरचेंज, उन डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं द डिजिट, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग. तो हमें इंटरचेंज करने के बाद में जो रिजल्ट मिल रहा है यानी जो दूसरा नंबर बनेगा वो न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर. तो वो जो नया नंबर बनेगा वो जो हमारा पहले वाला जो नंबर था उससे बाय 27 इंक्रीज हो जाएगा. व्हाट इज द टू डिजिट नंबर. तो सबसे पहले टू डिजिट नंबर है यानी ऐसा डिजिट जिसमें टू डिजिट है, तो हम उसमें से यूनिट डिजिट को एज्यूम कर रहे हैं. लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर बी एक्स. उन टू डिजिट में से यूनिट डिजिट हमारा एक्स है. सो इट्स 10 डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा 1 डिजिट और 10 डिजिट में 10 का डिफरेंस होता है, ठीक है. और हमको यह दोनों डिजिट का सम कितना दे रखा है, देखिए इस रिलेशन से लेंगे. सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर यानी टू डिजिट के नंबरों का सम 9 है. तो 1 डिजिट हमने एज्यूम कर लिया x, तो दूसरे डिजिट का दूसरा डिजिट कितना होगा, 9 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ हमारा अदर डिजिट बन जाएगा या 10 डिजिट बन जाएगा. सो इट्स 10 डिजिट इक्वल टू 9 माइनस एक्स रिजल्टिंग नंबर. अब देखिए नंबर 2 डिजिट था तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, हमारा ये 10 डिजिट है, 10 डिजिट की प्लस वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय 10 से. तो 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस हमारा यूनिट डिजिट है एक्स, उसकी प्लस वैल्यू होती है 1, उससे मल्टीप्लाई करके इनकी टोटल प्लस वैल्यू फाइंड कर ली. ये हमारा टू डिजिट नंबर बन गया है. अब इस टू डिजिट नंबर में वो बोल रहा है कि इनको इंटरचेंज कर दिया जाए. थोड़ा सा सॉल्व करके, सॉल्व करने पे हमारे पास में आया 90 - 9x, ठीक. ये हमारा टू डिजिट नंबर बन गया. अब कह रहा है कि व्हेन द डिजिट आर इंटरचेंज, जब इन्हें इंटरचेंज कर दिया जाता है, जो यूनिट है वो 10 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाए और जो 10 डिजिट है वो यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तब क्या होगा, हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा और हमारा 10 डिजिट बन जाएगा एक्स. तब हमारा जो नंबर होगा वो क्या बनेगा, सो रिजल्टिंग
कर लेते हैं। चलिए इसको राइट डाउन करो, फिर कर लेते हैं।